अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, सब कैसे हैं? उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे और बहुत खुश होंगे। आज ही हमारे किचन में बन रहा है बहुत ही मजे का आलू गोश्त, बहुत ही सिंपल, बहुत ही इजी, मेरी अम्मी की रेसिपी। चले जी रेसिपी की तरफ चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, रेसिपी शुरू करते हैं। हमने जी 3 बड़े साइज़ के प्याज काट लेने हैं। यहाँ पे छोटे प्याज हैं इसलिए आप लोगों को ज़्यादा लग रहे हैं। उसके बाद हमें चाहिए 1 किलो गोश्त, ये 1 किलो से थोड़ा सा कम है। उसके बाद चाहिए हमें लहसुन 1 पूरा, 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून हल्दी, 1.5 टीस्पून लाल मिर्च, 2 हमें चाहिए इलायची, 2 चाहिए लौंग, 2 दालचीनी के छोटे छोटे टुकड़े चाहिए और 5-6 हमें काली मिर्चों के दाने चाहिए। ठीक है, ये सब चीज़ें हैं जो के जाएंगी गोश्त को गलाने के लिए। अब जी प्याज काट लेते हैं। अम्मी की रेसिपी थी, अम्मी कहती थी सारा काम मैं करूँगी, कोई दूजा बंदा हाथ नहीं लाएगा। ये जी अम्मी यहाँ पे प्याज काट रहे हैं, पानी साइड पे रख दिया था क्योंकि आंखों में पानी जाता है। अब गोश्त गलाने की बारी है। सबसे पहले हम लोगों ने पतीले में धो के प्याज को डाल देना। ठीक है, प्याज डाल दिया। उसके बाद हम लोगों ने गोश्त ऐड कर देना। उसके बाद जो ट्रे सजाई हुई थी इन सब मसालों की, हमने इसी तरह ही सारी इसके अंदर ऐड कर देनी है। ठीक है, ये सारी जी इसके अंदर चली गई अच्छी तरह। लहसुन पीस के नहीं डालना, लहसुन साबित ही डालना है, बाद में हम इसको हल्का सा डोई के साथ पीसेंगे। ठीक है, उसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे पानी जितना गल जाए। ठीक है, अगर कुकर में लगाने आप लोगों ने तो आप लोग तकरीबन 10 मिनट लगाओगे सीटी। अगर वैसे पकाने हैं तो ज़्यादा अच्छा टेस्ट आ जाता है, 1 घंटा 10 मिनट या 1 घंटा लग जाता है अगर पुराना गोश्त। तो नया गोश्त हो तो आप लोग का जी 1.5-2 घंटे में गोश्त गल जाता है। अब हमने इसका ढक्कन दिया, अब इसको गलने के लिए रख देंगे और 1 घंटे और 5 मिनट के बाद इसको मैं चेक करूँगी। दरमियान में लेकिन हल्का फुल्का हिलाती रहूँगी गोश्त खुल जाए। ये देखें जी गोश्त गलना शुरू हो गया है। इधर 10 मिनट सिर्फ गुजरे थे, उठा के मैंने हिला दिया, गोश्त अलग हो गया जो फ्रीज़ हुआ हुआ था। यहाँ पर जी गोश्त हमारा अच्छी तरह गल गया है। अब हमारा जो अगला स्टेप है, हमने क्या करना है, इस गोश्त का पानी थोड़ा सा खुश करना है। 2 टमाटर लेने हैं, 2 हरी मिर्चें लेनी हैं और 1 इंच का अदरक लेना है। अदरक का छिलका उतारना है, टमाटर का छिलका उतारना है, इनकी अच्छी तरह पेस्ट बनानी है और इसके अंदर ऐड कर देना। ठीक है, ये जी पेस्ट बन गई, इसके अंदर हमने ऐड कर दिया है पानी। आग थोड़ी सी तेज़ करके इसका थोड़ा सा पानी खुश कर लेना, प्रॉपर खुश्क नहीं करना। उसके बाद हम इसके अंदर डालेंगे घी। आप घी डाल दो, देसी घी डाल दो, ऑयल डाल दो, अम्मी देसी घी पसंद करती हैं, अम्मी देसी घी डालती है तो अम्मी ने यहाँ पे देसी घी ऐड किया था। ये जी अब हमने इसको हिला देना थोड़ा सा और इसका पानी थोड़ा सा खुश्क कर देना है, बिल्कुल खुश्क नहीं करना, बस थोड़ा सा खुश्क कर देना है। उसके बाद हम इसके अंदर डालेंगे 1 टीस्पून सूखा धनिया। हमने पहले सूखा धनिया ऐड नहीं करना, अब सूखा धनिया ऐड करना है। ये अम्मी कहती हैं इस तरह टेस्ट चेंज हो जाता है। ठीक है, ये जी हमने सूखा धनिया इसके अंदर ऐड कर दिया। इसको अब थोड़ा सा पकाएंगे ताकि थोड़ा सा जो पानी था वो खुश्क हो जाए। यहाँ पे मैंने आलू काट लिए थे, ईद मेकअप ट्यूटोरियल बना रही थी तो दरमियान से थोड़ी सी रेसिपी मेरे से स्किप हो गई और अम्मी ने पूरी ना रेसिपी बना ली थी क्योंकि जल्दी थे खाना खाने की। उसके बाद हमने क्या करना है, पानी थोड़ा सा खुश्क हो गया, हमने इसके अंदर देसी घी डाल देना है। आप थोड़ा डाल दीजिएगा, अम्मी को ज़्यादा पसंद है तो अम्मी थोड़ा सा ज़्यादा डाल देती हैं। तो इसकी अच्छी तरह भुनाई करनी है, तकरीबन 20 मिनट भुनाई करने के बाद इसके अंदर आलू डालने हैं, 5 से 6 मिनट उसकी भुनाई करनी है, उसके बाद पानी डाल के इसको पकने के लिए रख देना है। ठीक है, ये सारे स्टेप स्किप हो गए क्योंकि मैं ईट ट्यूटोरियल बनाने चली गई थी। ये जी पानी अम्मी ने डाल दिया और उसके बाद जी यहाँ से मैंने रिकॉर्ड किया था। जब जो फाइनल शक्ल है वो जी आप लोग के सामने है। ये जी फाइनल शक्ल है शोरबे की, ज़बरदस्त सा, आलू भी बहुत ज़बरदस्त लगते हैं इसके अंदर। आप लोग लाजमी ट्राई कीजिएगा और मुझे फीडबैक दीजिएगा। हाँ जी, अब आप लोगों ने जी सारी रेसिपी देख ली है, बहुत सिंपल सी है। अब आप लोगों ने करना क्या है, ये करना है जी, ईद आने वाली है, आलू गोश्त बनेगा ही बनेगा, आप लोगों ने लाजमी ट्राई करनी है और मेरे साथ फीडबैक शेयर करना है। आऊंगी जी अब मैं अगली रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, रेसिपी का इंतजार कीजिएगा, दुआ में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।